नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आरिफ अंसारी और आप देख रहे हैं SKS वेव न्यूज़। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जलारामपुर के 38 मलक विधानसभा शाहबाद के क्षेत्र ग्राम खड़सोल में। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी आएगी 2022 में सरकार, क्या उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को वापस करेगी या फिर जनता परिवर्तन चाहती है, क्या सोचते हैं लोग, क्या चाहते हैं, क्या मूड है, आइए जानते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाहजेब अली। क्या चाहते हो 2022 में किसी सरकार आए? 2022 में मैं सपा को चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी की सरकार चाहता हूँ। क्यों चाहते हो, क्या वजह है? क्योंकि वजह यह भी है, उसने जितने भी अच्छे काम करे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था तो मुझे लैपटॉप भी मिला और मेरी बहन को 30,000 रुपये भी मिले। अच्छा। यहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, पहले हमें सब्सिडी के नाम पर ये गया कि हमें सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन आज देख लो कहाँ सब्सिडी है, सिलेंडर 900 कुछ रुपये है हमारे। लेकिन शुरू में तो सिलेंडर फ्री मिला था। नहीं, वो सिलेंडर फ्री मिलना अलग बात है, लेकिन उसके बाद हमें फिर मतलब पहले ये कह सकते हो आप, पहले फ्री दिया, उसके बाद हमें उससे दुगनी रकम वसूली गई हमारे। अच्छा जी। और महंगाई भी, महंगाई पे क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बहुत ही, क्योंकि मेरे पापा का किराना स्टोर है, महंगाई में देख ही रहा हूँ। तेल कहाँ, खाने वाला तेल, सरसों तेल 200 रुपये किलो हो चुका है लगभग। अब ये महंगाई है, इंसान गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज़्यादा अमीर होते चले। किसानों को 2,000 रुपये देना का दे रहे हैं योगी जी। जी जी, हर 4 महीने में 2,000 रुपये मिल रहे हैं। अरे तो 4 महीने में 2,000 रुपये से होता क्या है, आपको भी मालूम है। थोड़ी बहुत तो सहूलियत मिलती है। नहीं, थोड़ी बहुत कहाँ, 2,000 में थोड़ी बहुत जितनी मतलब आप मानते हैं कि थोड़ी बहुत हो जाएगी सहूलियत? थोड़ी तो है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, 2,000 रुपये से। अब मैंने यही बात तो कह दी आपसे कि मतलब महंगाई इतनी हो गई है कि 2,000 की कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, वैल्यू इतनी लूज हो गई है, मतलब रुपया इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसकी 2,000 की कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, योगी जी ने अब तक जो काम किए हैं उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट, पहली बात तो ये काम कौन सा किया है, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उनसे संतुष्ट हुआ जाए। नहीं, थोड़ी बहुत तो काम किए हैं उन्होंने, जैसे गल्ला दे रहे हैं जनता को। नहीं, जनता को तो गल्ला पहले भी मिल रहा था। हाँ, अगर गल्ला नहीं मिलता तो हमें काम लगता, क्योंकि हम चाहते कि हर इंसान गरीबी रेखा से दूर हो जाता। गल्ला नहीं मिलता तो हम मानते कि हाँ भाई, तरक्की हुई है। पिछली सरकार में 5 किलो थोड़ा था एक यूनिट पे, अब हो गया ये तो। पिछली बार इंसान को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज बहुत ज़रूरत है लोगों को गल्ले की। आज देखो गल्ले की दुकानों पर भीड़ लगी रहती, क्योंकि इंसान के पास पैसा नहीं है ना। अच्छा, ज़रूरत ही इतनी बन गई है तो गल्ला तो लेगा वो आप ही। अच्छा, कानूनी व्यवस्था काफ़ी सख्त हो गई है आपकी बार। हाँ, कानूनी व्यवस्था तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, थोड़ा सा सुधार हुआ है। सुधार हुआ, काफ़ी सुधार हुआ, काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन बाकी तो और कोई सुधार मुझे लगता नहीं। तो 2022 में मुख्यमंत्री के तौर पर आप अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव जी को ही देखना चाहता हूँ। अच्छा, ओवैसी साहब भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ओवैसी साहब से तो मैं इतना वो नहीं हूँ, मतलब कह सकते हो आप, लेकिन मैं अखिलेश यादव जी को ही सपोर्ट करूँगा और उनका ही मतलब रहेगा मेरे हिसाब से। क्या नाम है आपका? गफ्फार हुसैन। क्या विचार हैं 2022 के चुनाव को लेकर? देखिए, 2022 के चुनाव जो तय करेंगे, जो विकास अब तो 4 साल में जो विकास हुआ है उसका एजेंडा तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, बॉर्डर का मन है, कहाँ कौन जाना चाहता है। अच्छा, आपने देख लिया होगा किसका विकास ज़्यादा है, किसका कम है। अब मैंने यही कही तो पूरी पब्लिक ने देखा है विकास तो किसका है किसका नहीं है। अब बाकी पब्लिक कोई मूड बनाए रखती है कि हम विकास से किसी को मतलब होता है, किसी को बोर्डिंग मतलब नहीं है, लेकिन अगर पार्टी से मतलब है। अच्छा, चलिए। क्या विचार है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा में हम तो बहुजन को वोट देंगे या समाजवादी को वोट देंगे? किसे देंगे, बहुजन या समाजवादी? हाँ, समाजवादी को देंगे। अच्छा, समाज बीजेपी को ना दें। अच्छा, तो पार्टी तो और भी है, BSP है, बहुजन है, बहुजन समाज पार्टी है और कांग्रेस है, किसे देंगे? ना, हम तो इसको ही देंगे, समाजवादी को देंगे। समाजवादी को। अच्छा, योगी जी ने काम किए हैं उससे कितना संतुष्ट हैं आप? ना, हमारे समझ में तो उनका कोई काम आया नहीं। क्यों, गल्ला भी दे रहे हैं? और गल्ला तो पहले भी मिल रहा हो तो इसमें क्या है, हमें तो और परेशानी गल्ला से पूर्ति थोड़ी है, शीघ्र मजदूरी बंद कर देंगे। 2,000 रुपये भी दे रही है सरकार किसानों को? क्या 2,000 में पूर्ति कर रही है क्या? अच्छा, तो समाजवादी को चाहते हैं आप? हाँ। चलिए। हाँ भैया, आपका? सोरेन सिंह। क्या चाहते हो 2022 में कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने? वही बने अखिलेश, और कौन बनेगा यहाँ पे? अखिलेश। किस वजह से बने अखिलेश, क्यों बने? अभी वजह का पता नहीं, जो बता रहे काम पसंद आए उनके, सबसे बड़े काम उनके। अच्छा, क्या नाम था तुम्हारा? क्या नाम है? अरे, मेरा नाम भूरे है।
क्या चाहते हो 2022 में कौन मुख्यमंत्री बने? कर्जा माफ कर दे। हैं? कर्जा माफ कर दे बस। तो आप कौन बने मुख्यमंत्री? आप जो बन जा वही कर्जा माफ कर दे, अभी डेढ़ बात है किसान का बस और क्या। अच्छा तो क्या विचार हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? हमें भैया अखिलेश के विचार हैं। अखिलेश यादव को जी। क्यों, क्या वजह है? अरे जिला रामपुर को कोई सुविधा ना दी जा रही, हर एक जगह ये सैलाब आया है, फसलें मरी हैं, हर एक जगह पैसा दिया जा रहा है। तो मुआवजा देने की बात कही तो है योगी जी ने, सरकार ने कही है मुआवजा देने की बात? कब कही है? अब फॉर्म भी ऑनलाइन हो रहे हैं। चलो सही है, तो उन्हें दे देंगे जब सर हमारी फसलें मारी गई हैं, कोई दिया ना अभी लो। अच्छा योगी जी ने 5 साल बता दिए, इस पर कैसे लगे आपको 5 साल? ये सही, 4.5 साल हो गए लगभग। सही लगे। अच्छा सही विकास किए उन्होंने। क्या नाम है आपका? नाजिर मियाँ। क्या चाहते हो 2022 में कौन मुख्यमंत्री बने? भाई हम तो यही चाहते हैं जो गरीबों का भला करे और जो अच्छा प्रदर्शन करे वो ही बने फिर। आपने योगी जी को देख लिया, अखिलेश यादव को जी देख लिया और मायावती जी को देख लिया, आप किसका काम ज़्यादा पसंद आया आपको? पसंद तो खैर मोदी जी भी काम, योगी जी भी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, क्योंकि बुरे इंसानों के नहीं बुरे हैं, अच्छे के नहीं अच्छे हैं। क्या क्या काम किए हैं योगी जी ने? योगी जी ने काम ये करे हैं, किसानों के खाते में 2,000 रुपये डाले हैं। अच्छा, और किसी गरीब को नहीं सताया है। खैर सही सुध आदमी है तो वो सही सुध ही रह रहा है। अच्छा, और जो परेशान है जो गलत है। अच्छा, बेरोजगारी बहुत हो गई इस सरकार में। हाँ ये तो है, बेरोजगारी हो गई, पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, सिलेंडर भी पैसे बढ़ गए और हर चीज़ महंगी महंगी कर दी, लेकिन ये गलत करा है। गलत करा है, गरीबों का तो मसला। अच्छा, जब ही होगा, जब सस्ता होगा। हाँ, बहुत महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, चलो क्या नाम है आपका? वाहिद अली। अच्छा, ये हाथ में क्या हो गया आपके? ये छेपड़ी बन गए साहब। अच्छा, तो अंगुली नहीं है इसमें क्या? ना ना, अंगूठा खाली। अच्छा, आप ये बेचते हैं? फल बेचते हैं साहब, उधार लाता हूँ। अच्छा, और शाम को पैसे दे देता हूँ बेच के। तो क्या चल रहा काम नाम? काम भाव मद्दई है भैया। अच्छा, तो क्या चाहते हैं 2022 में कौन मुख्यमंत्री बने? भैया घर का अखिलेश यादव बढ़िया है। अखिलेश यादव के इनकी सरकार में हमें कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी सर उनकी सरकार में क्या लाभ हुआ आपको? कोई सर हमें कुछ ना मिला अभी तक ना। अखिलेश यादव की सरकार में क्या लाभ हुआ? बहुत लाभ था। अच्छा, तो अब काम पिल्टन भी चल रही थी जब, अभी 2,000 रुपये मिल रहे हैं किसानों को? हमें नहीं, कोई पैसा नहीं मिला, हम तो मजदूर हैं। अच्छा, मजदूर हो आप? तो काम वाम ठीक नहीं चलता? नहीं, मद्दा चल लिया, क्या करें। अच्छा, गुजर कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? बबली नाम है। तो क्या चाहती हो कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने? अपने उत्तर प्रदेश का बने और कहाँ का बने? कौन बने? कोई बन जाए, मैं क्या बताऊँ, मोदी को छोड़ कोई बन जा। मोदी ने क्या कर दिया तुम्हारा? कुछ बहुत बिगाड़ा उन्होंने, क्यों बिगाड़ा के दिया हमें? क्या क्या करा है? पलवन देख कर, लेटरिन देख कर, घर भी न कर, हमें देख के ही जाइए। 12वीं के आदमी को सब कुछ मिलना चाहिए। शौचालय तो घर घर मिले हैं, ना मिले हो तो मुँह तोड़ दूंगा तो घर शौचालय देने वाले का। अच्छा, और क्या, क्योंकि आदमी आता है लेटरिन ना मिली एक भी हमें, झाड़ू न लगा तो रोटी मिल जाएगी, बताइए हमें। क्या बच्चे बेरोजगार आदमी है, न जमीन न जायदाद। अच्छा, आप वाल्मीकि समाज से हो? वाल्मीकि आदमी तो खुद वाल्मीकि है, बुझ लो सबसे, कौन बता देगा। अच्छा, आज तक ना कोई अपाची मिला, ना कोई लेटर मिली आज तक, कितनी सरकार चली गई, मोदी की भी आ गई। अच्छा, नाम देखा आपका? मेरा नाम होरीलाल है। हैं? होरीलाल। क्या चाहते हो 2022 में कौन मुख्यमंत्री बने? सरकार मोदी की आनी है। मोदी की? योगी की? योगी मोदी दोनों ही रहेंगे। अच्छा, तो क्यों आ गई, किस वजह से आ गई? काम अच्छा कर रहे हैं। काम क्या काम अच्छे किए हैं? अरे राशन महीने में 2 बार दे रहे हैं। अच्छा, और बुढ़े आदमी पेंशन भी दे रहे हैं। हाँ। और 2,000 रुपये मतलब पैसे दे रहे हैं 4 महीने में। चाचा, बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी वो तो वो खुद ही अपने आप करेंगे। नहीं तो क्या कहेंगे आप बेरोजगारी पर? महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई बच्चे कमाई कर रहा है आदमी। कहाँ कमाई कर रहा है? 300 रुपये की मजदूरी है मजदूर की आज भी। कितना कमा रहा है? अरे मेरी क्या, मेरा तो ऐसे ही मामला है, 150 कम जाए मुझे भूख बचेगी। मजदूर की आज भी 300 रुपये मजदूरी है, तो अगर 100 रुपये का पेट्रोल डलवा लेगा तो उसका 200 आधे दिन की तो उसकी मजदूरी गई। अरे तो 100 रुपये सब पे थोड़ी गाड़ी रखी है, है? गाड़ी को सब पे थोड़ी रखी है, और मजदूर पे मोटरसाइकिल है तो बाइक है मजदूर पे। अरे हमको हम पे साइकिल भी नहीं है। अच्छा, अरे उन पे मोटरसाइकिल, हम पे साइकिल भी नहीं है, हम तो पैदल ही भागे जाओ जहाँ। चलो तुम पे ना, औरों पे तो है, औरों की तो सोचो, औरों की सोचो, और अपने आप को सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे उनके मामले में। अच्छा, तो योगी को ही वोट दोगे?